सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो भाई लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई लोग, अभी अभी मैं सीपी सेटअप पर आ चुका हूँ, सही है। तो भाई, आते साथ ही मैंने अभी अभी ऊपर किया, अभी मैं पट्टे लेके आया, पट्टे डाले नहीं है मैंने, सही है। तो इन मैडम ने ये क्या किया भैया, देखिए, पहले तो ये तो छोटी चीज़ है। तो भाई, यहाँ पर हमारी फीमेल है नेदरलैंड डॉर्फ की, जिसका मैंने आपको बताया था कि ये प्रेगनेंट है। एक बनी तो ये नीचे पड़ा हुआ, ये तो एक्सपायर है। तो भाई, इसका पहला क्लाइक था, ठीक है। तो भाई, जब आप लोग सेटअप स्टार्ट करते हैं, अगर आप फ्रेश फीमेल्स लेते हैं, मीन्स के जो पहली पहली दफ़ा ब्रीड करती हैं, तो भाई 90-95% फीमेल्स के पहले और दूसरे क्लच ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है। 95% 5% to 10% फीमेल्स इस तरह की होती हैं जिनके क्लच वो बच जाते हैं, सही है। लेकिन हमारे पास इस फीमेल का पहला क्लच था, ठीक है। हमारे पास नहीं, हमारे पास उठा ही था, लेकिन ये वैसी भी फ्रेश ही थी फीमेल, सही है। तो एक बनी अभी, इसने मेरा ख्याल और देने हैं बनी, सही है। एक बनी है, एक्सपायर है, तो अभी अभी इसने डिलीवर की है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं दिखा भी देता हूँ, ये नीचे पड़ा हुआ है, सही। और भाई, ये कंडीशन है। अच्छा, इसको हमने नेस्ट बॉक्स दिया था, ये अब पहला क्लच था इस फीमेल का। और इसने इसको नहीं पता था, इसको पता ही नहीं था कि भाई मैंने ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर ब्रीड करना है। तो अब जब नेक्स्ट क्लच ये करेगी इंशाल्लाह, तो उसमें उम्मीद है कि ये बेहतरीन हो जाएगा मामला। लेकिन अभी भाई, इसने अपना नेस्ट इस कॉर्नर में बना लिया, सही है। इस कॉर्नर में इसने अपना नेस्ट बनाया, और ये हमारे पास अगेन एक क्लोज, सब कह सकते हैं। खैर, कोई बात नहीं, क्योंकि भाई पहले क्लच थे, हम इस चीज़ के लिए पहले से रेडी थे। मैंने हसीब को भी रेडी किया था, मैं क्या भाई, पहले दूसरे क्लच अमूमन जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सही। तो भाई, अभी इसको मैं दिखता हूँ कि भाई है क्या सीन इसका। खैर, अभी ये देर ही है, खैर मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ, देखता हूँ इसका क्या माजरा है। और इन साहिबा ने क्या किया है कि भाई, ये सारा का सारा ना, ये देखें, अब इसने पार्टीशन को हिलाया है, सारा पार्टीशन जैसे बाहर निकाली है, और अपने बॉक्स का यहाँ से इसने सुराख कर दिया। तो इसका बॉक्स मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से सुराख करके ये इस खाने में आई है, मतलब इस तरफ ही आई है यहाँ कॉर्नर से। और ये देखें, ये पार्टीशन अभी मैं अंदर करूँगा तो ये ब्लॉक हो गया अभी। तो ये पार्टीशन थी ऐसे इस जगह पर। तो भाई, ये सिचुएशन हो चुकी है। खैर, इंशाल्लाह फीमेल को देखते हैं क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, इधर तो खैर वाफियत वाला मामला है, लेकिन एक कबूतर जो है ना भाई, वो मुझे कुछ ढीला लग रहा है। ये देखें, ये बैठा हुआ है, ये रहा, ये काम भी रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देखें, आपको फील हो रहा होगा, बाकी तो सब माशाल्लाह से एक्टिव है। तो ये काम पर है, सही है। तो मैं भाई हसीब को कॉल करके पूछे, तो मैं इसको मेडिसिन क्या देनी है, इसको फटाफट से मेडिकेट कर देते हैं ताकि ये सहजाब हो जाए। और भाई, इनके आगे पट्टे डालते हैं, भाई इसकी कंडीशन देखते हैं। उम्मीद है कि इसने और बनीज अभी डिलीवर करने, तो इंशाल्लाह ये और बनीज भी डिलीवर करेगी अभी। तो इसको मैं देखता हूँ भाई सिचुएशन क्या है। एक बनी तो एक्सपायर हो मुझे दिख गया सामने, सही। बस इंशाल्लाह मैं इसको देख के फिर इसको इंशाल्लाह सेटल करके मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई सब, इन सबको जो है वो पट्टे तो डल गए हैं, सही। तो भाई, ये फीमेल हमारी जो है ना, इसने दो बनीज माशाल्लाह से डिलीवर की हैं। तो इसका पहला क्लच था, मैंने आपको बताया पहले कि अब एक बनी जो है ना, वो इसका एक्सपायर है, ये थोड़ा भाई एक्सपायर हो गया। और एक माशाल्लाह से इसने बनी और दिया हुआ है, अभी हो सकता है कि और बनीज भी दे, सही। एक बनी माशाल्लाह से इसने ढक दिया बालों में अपने, सही। ये आप लोगों को देख के भाई, ये रहा भाई, ये ब्लैक बनी है माशाल्लाह, ग्रे है अभी, शेड ब्लैक दे रहा है। खैर भाई, इसको ढक देते हैं इस तरीके से। और भाई, क्योंकि इसने बनीज दे दिए हैं बाहर, सही। तो अब मसला ये है कि क्योंकि भाई यहाँ लाहौर में है थोड़ी अच्छी खासी सर्दी, सही है। तो अब इस सर्दी से जो है ना, वो बचने के लिए मैं लाया हूँ ये तौलिया, यहाँ से अभी यही मिला इसको ढकने के लिए। और भी हमारा कबूतर जो था ना, वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ, तो ये केज हम लोगों ने खोल लिए और कबूतर भी पकड़ा गया। मैं आप लोग मांझी बाहर इसको, चलो जी। तो भाई, मैंने हसीब को कॉल की थी, तो उसने ये बताया कि भाई ये उनके पास एक मेडिसिन है, ठीक है, जब भी कोई कबूतर बीमार होना, इसको एक छोटा सा, एक बस एक चुटकी इसके मुंह में डालनी है। ये हाँ जी, ऐसा करो, ये पकड़ाओ मुझे, मैं खिलाता हूँ इसको, आप जी कैमरा पकड़ो, दे दो मुझे, ठीक है जी। चुटकी निकाली काफी, बहुत है, बहुत बहुत है। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा, ये इनकी एक कोई होममेड मेडिसिन है, ये बस एक चुटकी डालनी है इसके मुंह में बस। तो भाई, अभी ये पानी पिए और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, सही है। बस छोड़ दो, काफी पानी डाल दें इसके मुंह, ठीक है, पानी पी लेगा। तो भाई, इतना मुश्किल कोई काम है नहीं है, बस अभी वो तौलिए जो मैं लिया है, उन्हें बस वो तौलिए डालनी है, डब्बी बंद कर देते हैं। तो ये
कपड़े दो मिले हैं मुझे, इससे मैंने पिंजरे को कवर करना है, बस मैं इसको कवर करके फिर कंटिन्यू करता हूँ। भाई कबूतर के पिंजरे को तो हमारा लग गया ताला, क्योंकि भाई इसको हमने ब्लॉक कर दिया बिल्कुल, वो कबूतर हमारा सामने है। चलो देखते हैं भाई इसको शाम तक, देखते हैं इसकी कंडीशन क्या बनती है। सही है, और भाई जो हमारा ये जो हमारी फीमेल ने वेनिस लीवर किए थे उसको मैंने ढक दिया है। सही है, वो इसलिए ढक है क्योंकि भाई इसने ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर ब्रीड नहीं किया, जिस तरह ये हमारे आपको दिखा दिया मैंने। ठीक है, तो अगर ये ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर ब्रीड कर देती तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं ढकते। सही है, तो क्योंकि वो ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि अब इसने डिलीवरी कर दी है बाहर। सही है, तो अब थोड़ा सा मसला हो गया, तो इस वजह से मैंने इसको प्रॉपर ढक दिया ताकि सर्दी नहीं लगे। सही है, तो ये भी चीज़ें मुझे मिली थी, मैंने भाई इन्हीं से ढक दिया, मैं अभी सर्दी ही कवर करनी है, अभी इंटे विंटे रख दिए ऊपर। तो भाई उम्मीद है कि हमारी इस फीमेल ने थोड़े से बनी शायद एक या दो बनीज और भी डिलीवर कर सकती है। ठीक है, तो अब ये है कि भाई डे में इसको देखते हैं कि भाई कहीं और बनीज डिलीवर करती है, क्योंकि कल तक मैं हम इसको देख सकते हैं कि मे बी के आज नहीं दे कल भी दे सकती है, क्योंकि भाई इसकी डेट जो थी ना वो कल की इसकी डिलीवरी की डेट है। ठीक है, तो आज इसको क्रॉस हुए हुए मेट हुए हुए तकरीबन 29 डेज हुए और कल इसको हो जाएंगे 30 डेज। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कल भी आज या कल में और बनीज डिलीवर कर सकती है, मैंने इसको चेक किया है, अब देखते हैं भाई क्या होता है। तो अब इसको ढक दिए इंशाल्लाह, बस मैं इसको डे में आके देखता रहूँगा कि भाई क्या कंडीशन इसकी चल रही है, तो अगर इसने और बनीज डिलीवर किए तो वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह। तो भाई सब समय जो है वो कुछ शाम को हो गया है। ठीक है, तो भाई दाने का टाइम है, पलवान जी हमारे जो है वो दाना इसका ताले खोल रहे, और भाई हमारी फीमेल को भी हम चेक कर लेते हैं कि भाई उसने और बनीज दिए कि नहीं दिए। भाई इस तरह से मैंने इसको ढक दिया था, चले भाई शुक्र ये है कि हमारी फीमेल ने पट्ठे खाए हुए। सही है, तो भाई अगर ये पट्ठे नहीं खाती ना तो फिर हमारे लिए मसला हो सकता था। सही है, तो इस बनी को भी देख लेते हैं, और बनी तो इसने कोई भी नहीं दिया, ये है कि हम इसको कल तक वेट करेंगे, शायद ये और बनी भी डिलीवर कर दे। रोहानी इधर आओ, बच्चा दिखाओ, आ जाओ। भाई एक बनी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल ठीक है, ये देखो। सही है, तो भाई ये ग्रे कलर में बनी है, ये ग्रे बनेगा, अभी देखते हैं, पता नहीं शायद कलर शेड चेंज भी कर सकते हैं। तो भाई आपकी फीमेल जहाँ कहीं पे भी बच्चे दे ना, तो आपका काम है उसको वहीं पे कवर कर देना, उसको उठा के। अब मैं इसको बॉक्स के अंदर रखता तो इसने उसको फीड ही नहीं करवाना था, तो इसलिए रुमान जी आप ऐसा करो दाने वाला वो लेके आओ, दाना डाले फटाफट से और मैं इनकी फीड भी स्टार्ट कर देता हूँ। भाई हम इसको इसी तरह से कवर रखेंगे ताकि इनको जो है वो सर्दी नहीं लगे। सही है, दाना स्टार्ट करें, डालोगे? चलो डालो, एक डब्बी डालो। इन्होंने आज छोड़ा हुआ था वैसे थोड़ा दाना, एक हाँ बस एक भर के डाल दो बस। ओए इसको दोबारा तो बंद कर दो, बस बहुत है, इन्होंने छोड़ा हुआ था आज। ये वाला जो केज है ना, ये वाले थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, इनके आगे डेढ़ डब्बी डाल दें इनके। तो भाई इन लोगों ने आज थोड़ा दाना जो है ना वो छोड़ा हुआ था, इस वजह से इनके आगे आज एक ही डब्बी डाली है, दो नहीं डाली। इनके आगे सवा डब्बी डलती है, ये थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, यहाँ पे शायद कबूतर ज़्यादा हैं, हमने गिने तो है नहीं, खिला के डालना है सारा, आधी और डाल दें बस काफ़ी है। तो भाई दाना जो है हमारा डल रहा है, अभी रैबिट्स को फीड भी डाल देते हैं, बस हमने ये देखना है कि हमारी फीमेल ने और बनीज डिलीवर करने हैं या नहीं करने। ठीक है, अगर तो हमारी फीमेल ने और बनीज डिलीवर करने हैं तो हम इंशाल्लाह आगे भी वीडियो बनाएंगे, और अगर नहीं किए तो इंशाल्लाह फिर वीडियो जो है हमारी कल दोबारा फिर स्टार्ट होगी। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं, तो यहाँ एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।